बेटा वी आर स्टार्टिंग विद एन टॉपिक। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे मैं आपको एक बार बताता हूँ। लास्ट लेक्चर में बेटा हम सिंटेक्स एनालिसिस पे थे। ठीक है, हम पार्सर के रोल को पढ़ रहे थे, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के रोल को पढ़ रहे थे एंड राइटिंग ए ग्रामर। ठीक है, आपको इसमें याद होगा कि लाइक देर वॉज अ एग्जाम्पल इन विच वी हैड क्रिएटेड अ ग्रामर। हमने एक ग्रामर क्रिएट की थी जिसमें क्या है, ऑल द लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड डेटा इज पैलिंड्रोम। ठीक है, जो पैलिंड्रोम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, हमने उस ग्रामर को बिल्टअप किया था। ठीक है, उसके साथ हमने क्या है, राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव में हायरार्की जो एक्सप्रेशन जनरेट होती है डेरिवेशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट और राइट पार्सिंग में, उसको साथ में डिस्कस किया। ठीक है, तो किस तरीके से एक्सप्रेशन सॉल्व होती है, बनती है, लास्ट नोड्स लीफ नोड्स बन जाते हैं और लीफ नोड्स आर रिप्लेस्ड बाय द टर्मिनल नोड्स। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। ठीक है, एक और चीज़ है बेटा आप लोगों के लिए, डेट यू विल बी हैविंग एन एफए। ठीक है, मैं अनाउंस कर रहा हूँ एंड चॉक पैड पे तो आई थिंक इन द फॉर्म ऑफ नोटिस मैं भीषम सर को कह के डलवा दूंगा, आप लोगों का एक एफए होगा। ठीक है, दिस विल बी योर फर्स्ट एफए। आई थिंक इसकी वेटेज अराउंड 10% है आपकी। ठीक है, और टोटल एफए इसकी मतलब जो वेटेज है आपके आई थिंक 20% है। ठीक है, तो टोटल देर विल बी 3 FAs और ये जो FA है ये आपका नेक्स्ट वीक में होगा। आई विल डिसाइड द डेट लेटर। ठीक है, बट द टॉपिक इज टिल दिस CFG। ठीक है, तो दिस CFG तक हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। द सिलेबस पोर्शन विल बी दिस। सर, व्हाट विल बी द फॉर्मेट? इज इट गोइंग टू बी इन द फॉर्मेट एमसीक्यू फॉर्म MCQ और सीएफटी? MCQ ओके ठीक है, ओके। एंड इट विल ऑल सर, बी आप MCQ गूगल ओनली। फॉर्म? गूगल फॉर्म नहीं होगा, इट विल बी ऑन माई मैप इट होपफुली। ठीक है, मैंने अभी ग्रीस सर से ओके डिस्कस करना है, एक बार मुझे वहाँ से ओके मिल जाए डेट यस वी कैन हैव इट ऑन मैप इट, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस परचेज है ऐसी कोई इशू नहीं है। तो एक बार वहाँ से मुझे ओके हो जाए कि हम मैप इट के ऊपर से कंडक्ट कर सकते हैं तो वी विल हैव इट ऑन मैप इट। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, सो इट विल बी एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, वो क्या है आपका, वो है टॉप डाउन पार्सिंग। ठीक है, टॉप डाउन पार्सिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रेडिक्टिव पार्सर, कंस्ट्रक्टिवेटेबल, अभी इतना तो नहीं अभी डिस्कस करेंगे, बट टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग ये दोनों हमारे पास क्या है, प्रोसीजर रहते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या रहता है, सिंटेक्स एनालाइजर्स फॉलो सम काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन रूल्स डिफाइंड बाय द मींस ऑफ CFG। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन के रूल्स होते हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, जो कि ग्रामर में स्पेसिफाइड है, CFG में मतलब आपके ग्रामर में रूल स्पेसिफाइड है, उनकी हेल्प से हम क्या है, प्रोडक्शन रूल स्पेसिफाइड है, उन प्रोडक्शन रूल्स हम कर चुके हैं, उनके हिसाब से हम क्या सिंटेक्स को एनालाइज करते हैं। द वे द प्रोडक्शन रूल्स आर इंप्लीमेंटेड पार्स्ड। ठीक है, कि किस तरीके से उसकी पार्सिंग की जाती है, किस तरीके से प्रोडक्शन रूल अप्लाई किए जाते हैं, वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, नोट डाउन दिस। ठीक है, टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम अप पार्सिंग, इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट टू लेक्चर्स है वो इसी पे डिपेंड करते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या है, टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम अप पार्सिंग है। ठीक है, तो बेटा टॉप डाउन पार्सिंग क्या है, व्हेन द पार्सर स्टार्ट्स कंस्ट्रक्टिंग द पार्स ट्री
from the start symbol, and then tries to transform the start symbol to the input. It is called as top down parsing. At least definition note करते जाइए, ठीक है? Top down parsing की definition. जब parser आपका start symbol से start करता है, start symbol क्या होता है? एक state है, जिसे हम कहते हैं start state. वो एक symbol से declare की गई है, ठीक है? S normally जब हम machines बनाते हैं, तो S state जो होती है, उसे हम क्या एक state को as a S mention कर देते हैं, that represents the start state, ठीक है? जैसे अभी हमने कुछ पिछले एग्जांपल्स में भी देखा है, S declares a start state, आगे उसके रूल्स लिख दिए जाते हैं बीच में. तो उसी तरीके से है, when the parser starts constructing the parse tree from the start symbol and then tries to transform the start symbol to input, ठीक है? उसके बाद क्या है, उसी की किसी कंडीशन को एज ए इनपुट ले लेना. जैसे S belongs to QSQ, Q आपके पास हो सकता है दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. Now S is itself a part of input. S के अपने आप में किसी इनपुट का पार्ट बन जाती है, ठीक है? एक मिनट. जैसे बेटा आपके पास अभी तक कोई स्टेट है, ठीक है? कोई स्टेट है, वो आपके पास स्टेट इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ इनपुट. जरूरी नहीं है क्यू एंड क्यू हो, ठीक है? अब जब ये क्यू है, दिस क्यू कैन बी सम अनदर स्टेट. जैसे ये क्यू है, ये किसी और चीज को बिलोंग कर रही होगी, ठीक है? इसके अंदर और स्टेट्स आ सकती है, बट इटसेल्फ जो स्टेट है वो क्या है, जो स्टार्ट स्टेट है वो इटसेल्फ क्या है, कहीं ना कहीं इनपुट का पार्ट बन सकती है. हम उस चीज को कहते हैं, ठीक है? मतलब एक तरीके की जहां पे रिकर्सिव अप्रोच से लगाने की कोशिश है, अगर आप प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करो, तो कहीं पे जैसे रिकर्सिव बन जाती है ना कि वो इटसेल्फ इनपुट का पार्ट बन सकती है, यहाँ पे वो मतलब है, ठीक है? सो व्हेन द पार्सर स्टार्ट्स कंस्ट्रक्टिंग अ पार्स ट्री फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल एंड देन ट्राइज टू ट्रांसफॉर्म द स्टार्ट सिंबल टू द इनपुट, इट इज कॉल्ड एज द टॉप डाउन पार्सिंग, ठीक है? तो अब इसमें क्या है, रिकर्सिव डिसेंट एंड बैक ट्रैकिंग, ठीक है? रिकर्सिव क्या होता है, अपने आप को दोबारा से कॉल करना, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? इट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अ टॉप डाउन पार्सिंग, इट इज कॉल्ड द रिकर्सिव, इट इज यूजेस द रिकर्सिव प्रोसीजर टू प्रोसेस द इनपुट. जो इनपुट है उसको दोबारा अपने आप से रिप्लेस करना, उसे हम कह देते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, ठीक है? बैक ट्रैकिंग क्या है, इट मींस इफ वन डेरिवेशन ऑफ अ प्रोडक्शन फेल्स, द सिंटैक्स एनालाइजर रीस्टार्ट्स द प्रोसेस यूजिंग अ डिफरेंट टूल्स ऑफ द सेम प्रोडक्शन. बैक ट्रैकिंग बेटा एक्चुअली एक टर्म यूज होती है जो आपने एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, दैट इज द डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, जैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसमें क्या है, कई सारी प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम सॉल्व करते हैं अलग अलग वेज से डा के अंदर. तो क्या होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम है, आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया ट्री की फॉर्म में, समझो आप एक माइंड में एक ट्री कंस्ट्रक्ट करो, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया फ्रॉम टॉप, ट्री के टॉप से स्टार्ट किया आपने उसको, अब वो एक्सपैंड, वो क्या कर रहा है, आपने क्यू से एन स्टेट पे गए, एन से दो स्टेट्स निकली टी और एस, आपने एस को इग्नोर कर दिया, आप टी पे गए, आप टी से फिर एम पे गए, एम पे चार स्टेट्स निकल आई क्यू आर एस टी यू, आपने उनको इग्नोर किया और नेक्स्ट स्टेट पे चले गए. जब आप फॉर एग्जांपल नीचे वाली स्टेट पे अड़ गए, तो आप क्या करते हो, बैक ट्रैक करके पिछले नोड पे चले जाते हो, ठीक है? आप ट्रेवर्स बैक करते हो, उसे हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग, ठीक है? इसको मैं कोशिश करता हूं डिजाइन करके आपको समझाने की. बेटा हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है? हमने उस क्वेश्चन को लिया और उसको सॉल्व करना शुरू किया, उससे एक स्टेट जनरेट हुई क्यू, उसको सॉल्व करते करते, ठीक है?
ये मेनली वैसे गेमिंग में इसका एग्जांपल दिया जाता है, मैं गेमिंग के थ्रू इसका एग्जांपल कैसे देते हैं वो भी आपको बताऊंगा। इससे क्यों सही क्या है, दो स्टेट्स और निकल आई, ठीक है, एक आपके पास हो गई टी, एक हो गई आर स्टेट हो गई। आपने एक को इग्नोर कर दिया, ठीक है, आप अगली स्टेट पे चले गए, अगली स्टेट पे हमारे पास फॉर एग्जांपल ओ स्टेट आ गई, और इसकी क्या निकल गई आपके पास, तीन ब्रांचेस निकल गई, ठीक है, ये एक्स थी, ये वाई थी आपके पास, और ये, तो आप फॉर एग्जांपल लेफ्ट में ही चलते गए, अब यहां पे आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिला, यहां पे बात खत्म हो गई। तो आप क्या करते हो, आप बैक ट्रैक करते हो प्रॉब्लम को, अनदर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर इस पे भी सॉल्यूशन नहीं निकलता तो इस पे, अगर इस पे भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा आप फिर प्रीवियस स्टेट पे चले जाओगे, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या कुछ और निकला था, अगर निकला होता तो उस पे चला जाता, नहीं तो फिर क्या चला जाता, बैक पे, फिर वो इसको करना शुरू कर देता, फिर यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल स्टेट्स निकलती, फिर वहां पे भी यही बैक ट्रैकिंग, इसे हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग, ठीक है। आपका कई बार जो चेस है वो इस पे सॉल्व की जाती है, जब हम चेस की एक मूव करते हैं उसकी एन नंबर ऑफ आगे की मूव्स को कैलकुलेट करके फिर बैक ट्रैक करके नेक्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को निकालना, ठीक है। एन क्वींस की प्रॉब्लम होती है, क्वींस को प्लेस करने की इन अ स्क्वायर बॉक्स, उसको ऐसे प्लेस करना होता है कि एक लाइन और एक रो और एक कॉलम में दोबारा कोई क्वीन ना आए, उसको भी बैक ट्रैकिंग के थ्रू सॉल्व किया जाता है बेस्ट। और भी मेथड्स होते हैं बट बैक ट्रैकिंग इज वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज की बात की जा रही है, इट मींस इफ वन डेरिवेशन ऑफ द प्रोडक्शन रूल फेल्स, अब इसको इस टर्म में ले जाके देखो, ठीक है, मतलब सेम ही है, अगर एक प्रोडक्शन रूल फेल हो जाता है द सिंटेक्स एनालाइजर रीस्टार्ट द प्रोसेस यूजिंग अ डिफरेंट रूल्स ऑफ द सेम प्रोडक्शन, दूसरे रूल पे चला जाता है, फिर से उसको ट्राई करता है, फिर उसे नेक्स्ट रूल, फिर नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट स्टेट, फिर फंस गया, फिर बैक ट्रैक जाओ, नेक्स्ट कोई और रूल देखो उस स्टेट के लिए है, अगर उस स्टेट में कोई रूल नहीं मिला फिर बैक ट्रैक हो जाओ। तो बैक ट्रैकिंग प्रोसेस को ये अप्लाई करता है अपनी क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। रिकर्सिव, एक आपको बताया खुद की इनपुट देनी स्टेट में, और दूसरी क्या है, बैक ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास टॉप डाउन पार्सिंग, दोनों पॉइंट्स को नोट करके रखना, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग एंड बैक ट्रैक, नोट कर लीजिए। हिमांशु लेट ज्वाइन किया, बॉटम अप पार्सिंग, बॉटम अप पार्सिंग बेटा टॉप से नहीं स्टार्ट होके डाउन से स्टार्ट होती है, ठीक है। बॉटम अप पार्सिंग क्या है, अभी हम वैसे बाद में इसका पूरा चैप्टर है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हाँ आई फॉरगॉट, एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा कि आपकी जो क्लास होती है वो ट्यूसडे को इशू रहता है, ओके, सो लेट्स वेट फॉर 2 मोर मिनट्स, ठीक है, कोई और है तो वो ज्वाइन कर ले, ठीक कोई बात नहीं, वेट करते बेटा 2 मिनट्स, ठीक है। मेन टाइम किसी ने हाँ कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई सर, हाँ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो, नो सर, सर बस ये बोलना था कि सर हमारी ट्यूसडे को सर 1:30 क्लास होती है ना फुल स्टैक की, तो सर इसलिए लेट ज्वाइन हो मतलब कर रहे हैं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं भूल गया था एक्चुअली, आज ना नेक्स्ट टाइम से ध्यान ओके रखूंगा,
ठीक है। ओके ओके कोई और क्वेश्चन है किसी का, कोई अभी तक जो कि है उसमें कोई डाउट है? मैं एक बार दोबारा से ये स्टार्ट करने लगा हूँ टॉप, ये जो पार्सिंग का है ना, बताना आपको। कुछ नहीं बेटा, हम एक्चुअली में ये स्टार्ट कर रहे हैं, टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम अप पार्सिंग। ये दोनों रिलेटेड टॉपिक्स है, मतलब ये पार्सिंग के ही पार्ट है, दोनों पार्सर के पार्ट है। सिंटेक्स एनालिसिस फेज में आते हैं, उनमें हमने पार्सर पढ़ा था, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ी थी। अब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हमने बनानी भी देखी कि हाँ ठीक है, किसी लैंग्वेज के लिए ग्रामर बनानी पड़ती है तो क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, कैसे उसमें प्रोडक्शन रूल्स काम करते हैं। तो प्रोडक्शन रूल्स आ गए, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आ गई, ग्रामर लिखना आ गया। अब हमारे पास क्या है बेटा, दो तरीके की पार्सिंग है, कि टॉप डाउन पार्सिंग है, एक बॉटम अप पार्सिंग है। ठीक है, तो बॉटम अप पार्सिंग को हम थोड़ा लेटर करेंगे, टॉप डाउन पार्सिंग को हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी करना। ठीक है, तो हमने यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट किया कि हमारे पास क्या है, इट फॉलोज अ प्रोडक्शन रूल्स। ठीक है, जब हम क्या है, प्रोडक्शन रूल्स को फॉलो करते हैं और हम सिंटेक्स को एनालाइज करते हैं, दोज प्रोडक्शन रूल्स आर स्पेसिफाइड इन CFG, वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या है, ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो दो तरीके से पार्सिंग को परफॉर्म किया जाता है, टॉप डाउन पार्सिंग होती है, बॉटम अप पार्सिंग होती है। इसके बाद हम कहते हैं कि जब हम टॉप डाउन पार्सिंग कर रहे हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग या बैक ट्रैकिंग मेथड, इन दोनों का यूज करते हैं टॉप डाउन पार्सिंग के लिए। रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग का क्या मतलब होता है बेटा, कि जो कॉलिंग फंक्शन है वो अपने आप को जब बार बार कॉल करता है तो हम उसे कह देते हैं कि वो एक रिकर्सिव प्रोग्राम है। यहाँ पे भी वही मतलब है, जिस स्टेट से हम स्टार्ट हुए, स्टार्ट स्टेट, वो स्टार्ट स्टेट स्टेट इटसेल्फ एक्टिंग एज एन इनपुट, जब वो स्टार्ट स्टेट अपने आप ही एज ए इनपुट की तरह वर्क करती है तो हम उसे कह देते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, मतलब रिकर्सिव पार्सिंग कह देते हैं उसको। ठीक है, और बैक ट्रैकिंग का क्या मतलब होता है बेटा, बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है कि जब हमारे पास क्या है, हम लीव्स पे जा रहे हैं फ्रॉम द रूट, एक ट्री है वो उल्टा है, हम रूट से ब्रांचेस की ओर जा रहे हैं, जब एक ब्रांच से रिजल्ट नहीं मिलता तो बैक ट्रैक करके दूसरी ब्रांच पे चले जाओ, अगर दूसरी ब्रांच पे नहीं रिजल्ट मिलता तो बैक ट्रैक करके तीसरी ब्रांच पे चले जाओ, नहीं तो पेरेंट नोड पे आ जाओ, पेरेंट नोड से और बैक ट्रैक करके उससे पिछली वाली नोड पे चले जाओ। तो इस तरीके से बैक ट्रैक करते करते आप दोबारा रूट पे भी आ सकते हो जहां से आप स्टार्ट हुए थे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैक ट्रैकिंग कहते हैं। इन पॉइंट्स को नोट कर लो, फिर आगे का डिस्कस करते हैं। आगे करें बेटा, अब बॉटम अप पार्सिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। एज द नेम सजेस्ट, बॉटम अप पार्सिंग स्टार्ट्स विद द इनपुट सिंबल। अब इसमें क्या है, इसमें चीज उल्टी हो जाती है, आप डाउन द ऑर्डर से स्टार्ट करते हो, टॉप तक जाते हो। एज द नेम सजेस्ट, बॉटम अप पार्सिंग स्टार्ट्स विद द इनपुट सिंबल एंड ट्राइज टू कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री अप टू द स्टार्ट सिंबल। ठीक है, तो जो इनपुट सिंबल्स है, जो इनपुट आ रही है उससे स्टार्ट करके जो फाइनल स्टार्ट सिंबल है वहां तक पहुंचना, वो आपके पास क्या हो जाता है, वो बॉटम अप पार्सिंग हो जाती है। ठीक है, टॉप डाउन में रूट से स्टार्ट करके बॉटम तक जाना है, इसमें बॉटम इनपुट नोड से स्टार्ट करके रूट तक जाना। ठीक है, ये क्लियर कट इनकी में क्या है डिफरेंस है। अब बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? हाँ एक्सक्यूज मी करण सर, जी, सर मेरा सर कंपनी का टेस्ट है सर, अभी कहाँ पे बेटा? सर अभी एलिंक का है एक ना, अभी वो 3 क्वेश्चन है, 90 मिनट का टेस्ट है सर, निकलूँ मैं?
क्या? हाँ प्रयाग, आप बोल रहे हो? हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है बेटा, ठीक है। सलोनी का भी सर है मेरा सर। भी है। हाँ तो बेटा ऐसा करो, अपनी आईडी जो है यही चैट बॉक्स में लिख दो, दोनों। लिख दी सर ओके मैंने। सर। थैंक ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। यू सर। तो बेटा, थैंक यू सर। अच्छा राहुल आपका भी है, कोई बात नहीं बेटा, जाओ आईडी मेंशन कर दो अपनी, राहुल। ओके बेटा। तो बेटा ये वाला जो ट्री है, ये जो प्रोडक्शन रूल्स है, ये ज्यादा एक्चुअली तो प्रोडक्शन रूल। अब इस प्रोडक्शन रूल को देख के मुझे बताइए कौन सी पार्सिंग आपको लग रही है। इसको कॉपी करता हूँ, नोटपैड पे लेके जाता हूँ, ऐसे तो आप वैसे ही देख लोगे। कौन सी पार्सिंग है ये? टॉप डाउन लग रही है, बॉटम अप लग रही है? कर चुके हो ऐसी चीजें, सॉल्व तो कर ही चुके हो। ट्री वगैरह, हायरार्कियल ट्री वगैरह तो हमने बनाया ही था, लेफ्ट डेरिवेटिव है, राइट एसोसिएटिविटी और लेफ्ट एसोसिएटिविटी से। अब बस इतना है कि एसोसिएटिविटी डिस्कस नहीं कर रहे, अब हम ट्रीज डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, जो आप दे रहे हैं या नहीं? अमन कौन से ये बॉटम अप लग रहा है मेरे को, ये बताओ। हैं स्टार्ट स्टेट ई स्टेट पे लेके गई, ई स्टेट इटसेल्फ ई प्लस टी है, तो ये इक्वेशन बन गई ई प्लस टी, देन ई प्लस टी इंटू टी, उसके बाद वो आईडी आईडीज नीचे बन जाएगी इसके सारे के सारे। तो ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो इसको? टॉप डाउन है ये? ये आ गए आपके पास, जैसे प्रोडक्शन रूल्स आ गए हमारे पास। बॉटम अप पार्सिंग बेटा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है आपके पास। आप नोड से स्टार्ट कर रहे हो, आप नोड से स्टार्ट कर रहे हो। देखो जब जब आप स्टेट से स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट स्टेट से, मतलब अगर आपने इस स्टेट से स्टार्ट किया तो आप टॉप डाउन अप्रोच पे हो। आप रूट से स्टार्ट करके इन नोड्स तक पहुंचना चाहते हो, और अगर आप इन नोड से स्टार्ट करके स्टार्ट स्टेट पे पहुंचना चाहते हो तो आपकी क्या बॉटम अप अप्रोच हो जाए। सिंपल, ये अभी वैसे मैंने इसको ट्री के एग्जांपल में लिया, लेकिन ये क्या है, इन्होंने इनको दिया है प्रोडक्शन रूल, सो ये इनको लेके चले हैं वैसे प्रोडक्शन रूल्स में। ठीक है, ये प्रोडक्शन रूल है। और कोई चीज दी है? इक्वेशन तो यही है, ए प्लस बी इंटू सी। ठीक है, ये प्रोडक्शन रूल्स है आपके पास। ठीक है, बी इंटू सी। अब आइदर यू विल सॉल्व इट विद द राइट एसोसिएटिविटी या लेफ्ट एसोसिएटिविटी, किसी एक के साथ हमें इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो
इसने इसको स्टार्ट किया है। टी से, ठीक है, क्योंकि ये रूट आईडीज है, ये सारे के सारे, ये क्या है, ये आईडी है। अब इसने इसको टी से रिप्रेजेंट किया, टी को ई से रिप्रेजेंट किया है, ई इज इक्वल टू ई प्लस टी में आ गया है ये, देन उसके बाद इसने क्या कहते हैं इसको, अकॉर्डिंगली टी इन टू सी, ई प्लस टी इज इट सेल्फ ई इन टू सी, देन इसको इसने फिर टी से रिप्रेजेंट कर दिया, फाइनली ई स्टेट है, ई स्टेट लीड्स टू स्टार्ट स्टेट। इस तरीके से सॉल्व किया, एक बार इसे समझो अच्छे तरीके से, अगर आपको कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपको इसका क्वेश्चन बन सकता है इजीली, एक क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। आपको प्रोडक्शन रूल दिया है डेफिनेटली, इफ अब इन चीजों को नोट करते जाओ, जो जो मैं लिख रहा हूं ना, इन चीजों को नोट करते जाओ। प्रोडक्शन रूल है ना, द प्रोडक्शन रूल इज अ पार्ट ऑफ सम, एक्चुअली में तो लैंग्वेज है, बट लैंग्वेज इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ सम ग्रामर। प्रोडक्शन रूल किस में होती है, प्रोडक्शन रूल्स आर इन सम लैंग्वेज, दैट इज डिफाइंड बाय कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है, एक लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का पार्ट है और उसके अंदर क्या है, प्रोडक्शन रूल्स दिए गए हैं आपके पास, ठीक है। प्रोडक्शन रूल किसके, आपके एक्सप्रेशन के, सॉरी, ठीक है, आपके एक्सप्रेशन के हम क्या दे रहे हैं, रूल्स दे रहे हैं एक्सप्रेशन को एनालाइज करने के लिए, पार्स करने के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन रूल्स हमें मिल गए, अब आपके पास आपका एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज योर एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। नाउ ऑल दीज आर आईडीज, आईडीज मींस द लीफ नोड्स, लास्ट नोड है आपके पास, नोट करते जाओ इस चीजों को, इनको पहले लिख लो इस पूरे को। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इसके बाद a प्लस b इंटू सी एक्सप्रेशन एक साइड से लेना शुरू किया, फर्स्ट आईडी इज रिप्लेस्ड बाय t, बात खत्म हो गई। t प्लस b, t क्या है, इटसेल्फ e से रिप्लेस हो गया आपके पास, प्रोडक्शन रूल है आपके पास। अब e प्लस b, e प्लस b आपके पास क्या है, आपके पास b जो है वो आपके पास दोबारा से रिप्लेस हो जाएगा आपके पास टी से, क्योंकि बी क्या है, बी भी आपके पास क्या है, आईडी है, इसे फर्दर पार्स नहीं कर सकते आप, इसकी पार्सिंग यहाँ पे खत्म हो गई थी, तो बी पे आ गए, बी रिप्लेस हो गया आपके पास टी से, टी ई प्लस टी इटसेल्फ अ प्रोडक्शन रूल फॉर ई, तो ये ई प्लस टी क्या है, इटसेल्फ एक प्रोडक्शन रूल है जो कि ई से रिप्लेस हो जाता है आपके पास, पार्स हो गया। Into C, C is the ID which is replaced by T, or E to T is again a production rule which is replaced by E, and E से हमें क्या है, हमारी start state वापस मिल गई। तो आपने क्या किया, आपने bottom up parsing की है। अब इसी के base पे just give me a top down parsing, कोई बना के दे सकता है मुझे, the production rule remains same, स्टेट आपको पता है एस से स्टार्ट करना है, अब इसको रिवर्स ट्री को बनाना है आपने, कैसे जनरेट होगा, प्रोडक्शन रूल सेम, द आउटपुट इज ए प्लस बी इनटू सी, अब आउटपुट आपकी ए प्लस बी इनटू सी है, बनाओ चलो इसे करो।
हाँ जी बेटा, आउटपुट फ्रॉम एनीवन, किसी ने करके देखा, टॉप डाउन पार्सिंग करके दिखानी है सेम प्रोडक्शन रूल्स पे। हाँ जी बेटा अमन, देखो स्टार्ट स्टेट रिप्लेस बाय ई, दैट इज रिप्लेस बाय आइदर, इट कैन बी रिप्लेस बाय बोथ ई प्लस बी एंड ई इनटू टी, ठीक है। देन ई कैन बी रिप्लेस बाय टी, ठीक है। किसी और ने करके देखा हो? जहाँ पे अमन आपने ई प्लस बी लिखा है ना, वहाँ पे आप प्लस बी नहीं लिखोगे, ई प्लस टी लिखोगे पहले, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक्सप्रेशन अलग ना बन जाए, बाकी तो ठीक है। किसी और ने किया हो? देखो बेटा, अभी स्टार्ट विद एस्टेट, ठीक है, हमने एस्टेट से स्टार्ट किया और हम ई पे आ गए। ई कैन बी रिप्लेस बाय ई प्लस टी, अभी जैसे आपने सॉल्व किया है, लेट्स गो विद दिस ओनली। ई कैन इटसेल्फ बी रिप्लेस बाय ई प्लस टी, ठीक है, ई प्लस टी से रिप्लेस हो गया। अब E can be replaced by, there is no replace for T. T is itself ID state. T को आगे further parse नहीं कर सकते हम, T आपकी ID state है, तो ये तो ID में convert हो गया। और जो E है, it can be changed with E into T, मतलब इसकी जो next state होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? देखो, the ID state will be produced in the last, इस चीज को याद रखना, जो रिजल्टेंट स्टेट है वो लास्ट में प्रोड्यूस की जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आई डी इज मीन्स लाइक योर ए बी एंड सी, आई डी एक्चुअली में क्या है, आपके ए बी और सी है जो रिजल्टेंट है,
ठीक है, वो ए और बी और सी को लीड करते हैं आपके पास, नोड लीफ नोड से, और लीफ नोड में ए बी और सी ही है आपके पास. तो ई कैन बी रिप्लेस्ड बाय ई इनटू टी प्लस टी, कुछ ऐसा बन रहा है आपके पास. तो ये एक्सप्रेशन बन गई आपकी ए इंटू बी प्लस सी. सर इज इटसेल्फ टी, ये लास्ट में टी बन जाएगा. एक एक और स्टेट आएगी उसमें कुछ ऐसा हो जाएगा इसे नेक्स्ट स्टेट में, और उसके बाद ये आईडी से रिप्लेस हो जाएगी सारे. ठीक है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली इसके साथ क्या है, प्रेसिडेंस जो है उसको चेक करना पड़ेगा. तो प्रेसिडेंस को चेक करके ये वाली स्टेट को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्चुअली में इस वाली से. नाउ इट विल गो फाइन. एक्सक्यूज मी सर, सर ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेट तो यही रहेगी, और बस डिफरेंस ये हो गया और लास्ट वाली में. ठीक है, हाँ अच्छा, अब क्या कर रहे हो दिखाओ. एस इंटू ई ई प्लस टी, आप जो बी को ना रिप्लेस कर रहे हो बी इंटू टी से, मतलब कहीं. और टी के लिए ना हमारे पास कोई प्रोडक्शन रूल नहीं गिवन है. अगर टी के लिए प्रोडक्शन रूल गिवन होता फिर ये पॉसिबल था. टी के लिए सिर्फ ई है हमारे पास, टी की आउटपुट और कुछ नहीं है. टी कैन बी गो विद ई. बात इसको थोड़ा आगे करते हैं और फिर डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि अभी टॉप डाउन पार्सिंग तो शुरू ही है. ठीक है, सो टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक्स पार्सिस द इनपुट ट्री फ्रॉम द नोड एंड, मतलब जो रूट है वहां से स्टार्ट करते हैं हम, एंड कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री फ्रॉम द नोड ग्रेजुअली मूविंग डाउन टू द लीफ नोड्स. द टाइप्स ऑफ टॉप डाउन पार्सिंग आर इनको नोट कर लो. ये चार्ट नोट कर लो, इस थोड़ा सा छोटा कर देता हूं. इसे नोट कर लो. अगर रिकर्सिव आती है, रिकर्सिव नॉन बैक ट्रैकिंग प्रिडिक्टिव और एलएल पार्सर में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, ये नोट कर लीजिए. सो बेटा, रिकर्सिव डिसेंट, रिकर्सिव डिसेंट इज अ टॉप डाउन पार्सिंग टेक्निक दैट कंस्ट्रक्ट्स अ पार्स ट्री फ्रॉम द टॉप एंड द इनपुट इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या है, इनपुट रीड की जाती है. चाहे तो इसे भी नोट करके रख लो. ठीक है,
It uses procedures for every terminal and non-terminal entity. Her terminal or non-terminal entity के लिए procedures का use करते हैं. This parsing technique recursively parses the input tree to make a parse tree. अभी जो हमने actually जो solve किए हैं ये एक तरीके की recursive technique ही थी. ठीक है? जो हम देख रहे थे वो एक तरीके का recursive technique ही के under ही आएगा. ठीक है? Which may or may not require a backtrack. लेकिन ये point बीच में add हो गया. कि जो अभी भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं वो एग्जांपल्स क्या है कहीं ना कहीं रिकर्सिव अप्रोच को ही रिप्रेजेंट कर रही है बट देयर विल बी अ बैक ट्रैकिंग और नॉट ये डिपेंड करता है हमारी इनपुट के ऊपर कि रिक्वायरमेंट है बैक ट्रैकिंग की या नहीं है बट द ग्रामर एसोसिएटेड विद इट कैन नॉट अवॉइड बैक ट्रैकिंग ठीक है जो ग्रामर है वो बैक ट्रैकिंग को क्या है फॉलो करती ही करती है A form of recursive descent parsing that does not require any backtracking is known as predictive parsing. इसे भी चाहे नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है A form of recursive descent parsing that does not require any backtracking is known as predictive parsing. तो जो आपकी एक चीज पॉइंट और यहाँ पे याद रखने वाला है वो ये है कि जो सी एफ जी है जो आपकी ग्रामर होगी वो कहीं ना कहीं बैक ट्रैकिंग को फॉलो करेगी ही करेगी क्योंकि ग्रामर क्या होता है नॉर्मली बैक ट्रैकिंग को फॉलो करती ही करती है क्योंकि ग्रामर क्या है बेटा ब्रॉड स्कोप है उसके अंदर सारा कुछ आना चाहिए उसके अंदर लैंग्वेज एक्सप्रेशन सब सॉल्व होने चाहिए अगर कहीं पे आपकी लैंग्वेज या एक्सप्रेशन उस ग्रामर के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका कंपाइलर जो आप डिजाइन कर रहे हो वही फेल हो गया ठीक है किसी लैंग्वेज के लिए अगर किसी कंपाइलर को बिल्टअप किया जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी ग्रामर के अंदर एक्सप्रेशंस रिकॉग्नाइज होने चाहिए अगर एक्सप्रेशन ही रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है तो आप कंपाइलर नहीं बिल्टअप डिजाइन नहीं कर पाए हो ठीक है तो कहीं ना कहीं वो बैक ट्रैकिंग को फॉलो करती ही करती है सी एफ जी सो नेक्स्ट देख रहे हैं हम बैक ट्रैकिंग टॉप डाउन पार्सर स्टार्ट्स from the root node and match the input string against the production root to replace them. एक example लिया यहाँ पे ये सब s state को दिखा रहा है input state को दिखा रहा है start state को दिखा रहा है आपके पास R and D are some kind of input कोई machine की state होगी one state two state और ये क्या है इंटरमीडिएट स्टेट्स दिखा रहे हैं बीच की ठीक है ये और ये अब x कैन बी ओ ए और ई ए z कैन बी ए आई ठीक है तो ये क्या है ये एक्चुअली में एक ग्रामर है दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ ग्रामर तो क्या कोई इसके बेस पे लैंग्वेज को प्रेडिक्ट कर सकता है व्हाट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज विल बी देयर ग्रामर इज देयर डेफिनेटली प्रोडक्शन रूल्स आर मिसिंग तो एग्जैक्ट तो नहीं बनेगी जो भी आप बनाओगे ठीक है क्योंकि प्रोडक्शन रूल्स के बिना वी कैंट जनरेट एग्जैक्ट लैंग्वेज आउट ऑफ इट कि एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या बनेगी इसके अंदर की ठीक है स्टिल व्हाट काइंड ऑफ इनपुट शुड बी एक्सेप्टेड बाय दिस ग्रामर एटलीस्ट आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो ठीक है प्रोडक्शन रूल काफी तरीके के हो सकते हैं ये नहीं होगा ये होगा इससे ये जनरेट होगा तो वो सारे प्रोडक्शन रूल्स है ठीक है तो वो प्रोडक्शन रूल्स के बगैर हम एग्जैक्ट उस पर नहीं जा सकते कि क्या लैंग्वेज बनेगी इससे क्योंकि लैंग्वेज क्या किसी ना किसी रूल को ही फॉलो करेगी उसी के अंदर एक्सप्रेशन मिलेगा आपको तो जस्ट एक आइडिया It, what kind of a language? Yeah, what kind of a language it can contain? मैं वो जानना चाहता हूँ। अबे production rules को एक बार मत consider करो। वो आगे शायद लिखे हुए हैं। वो हम पढ़ लेते हैं उसके बाद। अभी एक बार इसके base पे आप क्या पता कर सकते हो? Backtracking है अगर अभी इन्होंने recursive non-recursive ऐसी कोई बात की नहीं है, so consider it like a recursive. If it is mentioned that it is a non-recursive, definitely The language will completely change.
करो। बेटा बस आपने एक रफ आइडिया देना है मुझे, करके देखो। हाँ हाँ जी बेटा, कुछ दोबारा से आते हैं इस पे। तो बेटे देखो, ये कोई भी स्टेट है, इसमें ओ ए या ई ए, इसमें भी ओ ए ई ए कैन बी देयर, ठीक है। बट इसमें क्या है, इन दोनों स्टेट्स के बीच में क्या है, कोई एस नहीं है, दोबारा से स्टार्ट स्टेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर दोबारा से स्टार्ट स्टेट नहीं है तो ये अपने आप को क्या है, रिकर्सिव नहीं कर पाएगा। एक्स है ना, एक्स है तो आर ओ ए डी जो है इस तरीके से ये बनेगा, या आर ई ए में जा सकता है, या जेड वाला आपके पास ए आई आ सकता है। लेकिन इसमें क्या है, आपके पास कहीं ना कहीं जो इनपुट स्टेट है, मतलब जो आपकी स्टार्ट स्टेट है, वो क्या है, रिकर्सिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या, उसके गेन इनपुट नहीं है। ये यहाँ पे एस वगैरह मेंशन होता
यहाँ पे कहीं पे एस मेंशन होता तो हम इसे कह सकते थे कि ये रिकर्सिव है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी इनपुट लेगी, तो उसमें के थ्रू ये के एक्सटेंड हो सकता था फर्दर। तो अब देखते हैं कि क्या इन्होंने मेंशन किया है। ये तो काइंड ऑफ लैंग्वेज मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये किस तरीके की लैंग्वेज के साथ आगे जा सकता है। फॉर एन इनपुट स्ट्रिंग रीड अ टॉप डाउन पार्सल विल बिहेव लाइक दिस, इट विल स्टार्ट फ्रॉम एस फ्रॉम द प्रोडक्शन रूल एंड विल मैच इट सील्स टू द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द इनपुट दैट इज आर। The very production of S is RxD matches with it, so the top-down parser advances to the next level that is E and expands the non-terminal X, X को expand कर दोगे OA से, it does not match with the input symbol, so the top-down parser backtracks to obtain the next production of X that is EA, ठीक है? जिस तरीके का हम predict कर रहे थे ये उसी तरीके से कह रहा है कि उसे आउटपुट नहीं मिलेगी तो ये बैकट्रैक करके क्या है दूसरे किसी उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है? ये इसकी स्टेट थी आपके पास, आइदर आरएक्सडी है इसकी स्टेट है आपके पास, ठीक है? तो आरएक्सडी एक्स क्या है आइदर ओए से आपके पास आएगा, लेकिन हमें नेक्स्ट कोई इनपुट नहीं मिलेगी, कुछ और इससे गेन नहीं हो रहा है, तो हम बैकट्रैक करके एक्स पे चले जाएंगे, एक्स पे जाके हम ए पे चले जाएंगे, नेक्स्ट प्रोडक्शन पे चले जाएंगे। तो ये बस इसी तरीके की इसकी जो आउटपुट है वो आएगी। अगर यही चीज आप क्या कहते हैं आर जेड डी से कर लोगे तो जेड क्या है आपके पास ए और आई है, यहाँ पे ए और आई लग जाएगा, ए से बैक ट्रैक करके दूसरे के आउटपुट को चेक कर लिया जाएगा, और ये बस यही ट्री इससे फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है? इसी तरीके की क्या कहते हैं लैंग्वेज जनरेट हो सकती है जो कि इसी तरीके के स्ट्रिंग के एज ए इनपुट ली जा सकती है, एक्सप्रेशन बन सकता है। सो सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन कैन Only be recognized in this language, ठीक है? ये थोड़ा सा hard portion है, एक मैं इसी point पे रुक रहा हूँ, so that you will go through up to this point. आप इसको अच्छे तरीके से study करो, क्योंकि ये थोड़ा सा crucial है आपके पास, इनको समझना, ठीक है? तो उसके बाद हम आगे predictive parser वगैरह कल देखेंगे, लेकिन इस point तक आप इसको दोबारा से एक बार अच्छे तरीके से study करो, so that you will get a idea actually हो क्या रहा है, ठीक है? जो मैंने back tracking बताई थी वही back tracking है। अगर यहाँ पे output नहीं मिलेगी तो यहाँ पे output नहीं मिलेगी, back track होगा, दोबारा से back track होगा तो S तक ही जा सकते हो आप, दोबारा से S तक जाओगे तो RZD, इसको RZD से replace कर दोगे, एक और निकल जाएगी branch, फिर AI पे आ जाओगे, मतलब all the possible combinations through the back tracking and language, मतलब किस के? क्या क्या एक्सप्रेशन बन सकता है जो वो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है? इसको एक बार दोबारा करो, फिर हम कल यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है? मैं अटेंडेंस कॉल बैक कर रहा हूं, ठीक है? फाइव जीरो सेवन गौतम गौतम जेड का मुझे उनके बारे में बता देना जो पेपर के लिए गई है। आयुष 1004 अभिनव 1007 देन अभिषेक 1015 1021 अखिलेश अक्षय 1026 अमन सिंगला 1033 अंबिका मेहरा 1036 1049 अंशुल अरोड़ा देन इशिता पंत 1092 इशिता देन गुंजन हर्ष देवसीर 1113 हिमांशु
हिमांशु इज देयर आई थिंक, हिमांशु, रिक्या, देन जितेश 1132, करण पठानिया 1138, कुबेर 1148, मानवी महाजन 1153, मानवी, मिंटू यादव 1160, मोहम्मद कामरान 1161, निखिल राज 1182, 1183 निखिल शर्मा, 1185 नितिश सॉरी निमेश राज, नितिश उनवी 1188, प्रसन्ता 1203, प्रसन्ता, प्रतिभा पटियाल 1205, प्रयाग, प्लेसमेंट पे गया इनो, देन राहुल प्लेसमेंट पे, देन और कौन था, प्रयाग, राहुल और सलोनी 1260, 1260, 1304 सुधांशु, सुधांशु 1328 वैभव, विवेक 1346, 1348 यश, यशवंत 1349, 1350 येंद्र, राघव 1354, राघव, सुधांशु 1375, दीपशिखा 1376, साहिल सहगल 1377, 1390 सक्षम, रोहित गुप्ता 1242, ओके बेटा, चलो बेटा आगे कल करते हैं। और कोई एनी डाउट, किसी कोई टॉपिक में, किसी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कस करना है? सर 1377 साहिल सहगल प्रेजेंट सर। हाँ जी सर, 1377 द मैसेज ड्रॉप नहीं हो रहा सर। 1327 1377 सर मैसेज ड्रॉप हो रहा है। साहिल सहगल, यस सर, ऑन है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सर। अच्छा मुझे बताओ,